किसी भी सब्जेक्ट को करने के लिए तुम्हारे पास दो तरीके हैं। एक तो उसे इस तरीके से करो कि लोग उसे देखने के लिए मजबूर हो जाए, और एक उसे इस तरीके से करो कि लोग उसकी माप बंद करने के लिए दे। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो जाकर देख लो आदि पुरुष का टीजर। दूसरे वाला तरीका अपनाया और फुल पब्लिसिटी के साथ 100 मिलियन क्रॉस कर गया। लेकिन बनाया क्या गया था, एक कार्टून का फेक जिसे लोगों ने खूब माप बहन की। तो हाय हेलो वेलकम, कैसे हो आप सभी लोग। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो एक ट्रेलर रिलीज हुआ पैन इंडिया फिल्म का, मुझे काफी स्पेशली अच्छा लगा है। मूवी का नाम है शकुंतला, जिसके लीड रोल में सामंता और दूसरी तरफ देवमोहन नजर आ रहे। तो अब दूसरी ओर बात करते हैं इसके ट्रेलर की। तो ट्रेलर के बारे में स्टोरी फ्लोर तो बेसिकली हम सभी को पता होने वाला है, क्योंकि जो वैदिक काल में जो शकुंतला थी उनकी एक स्टोरी एक्सप्लेन की जाएगी। लेकिन जो सबसे बड़ा जो विषय रहेगा, वैदिक काल को आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो उसके अंदर VFX काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दूसरी चीज उसमें ये हो जाती है कि जो उसका स्क्रीन प्ले रहेगा वो कैसा रहेगा। अगर आपने VFX और स्क्रीन प्ले काफी बेटर कर दिया ना, तो मूवी आपकी इजिली चल जाएगी, क्योंकि वैदिक काल है जिसे हर कोई देखना चाहेगा। एक ऐसा काल जिसे देखने के लिए लोग तत्पर रहते हैं। हालांकि बॉलीवुड में हमारे क्या होता है कि ऐसी चीजें नहीं बनाई जाती। बॉलीवुड एक ही काम करता है, एक तो रिमेक बना लो या फिर दूसरी चीजें एडल्ट बना लो। लेकिन एक इंडस्ट्री है जिसका नाम साउथ इंडस्ट्री, जो इंडिया को बचा रही है हर जगह, वो बचाने के लिए खड़ी हो जाती है। उन्हीं की मूवीज के पीछे ये भारतीय सिनेमा चल रही है। अब बात कर लेते हैं मूवी के प्लॉट की। तो मूवी का प्लॉट ये है कि जो शकुंतला थी वो किसी ऋषि विश्वामित्र और मेनका की बेटी थी। लेकिन वो क्या हो जाती है, बचपन में अनाथ हो जाती है और उन्हें वो छोड़ देते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि एक ऋषि कणु है, उन्होंने उनका पालन पोषण किया था। एक ऋषि है जो घूमते फिरते उन्हें वो मिल जाती है और उन्होंने उसका पालन पोषण कर बड़ा किया था। वो उन्हीं के साथ वनवास में रहती थी। वनवास में तो वो जंगलों में जाती थी, तो राजा दुष्यंत जिनका चंद्रमोहन नाम था, तो वो उनके साथ उठना बैठना हो गया और उनसे उन्हें प्यार हो गया। और उसी प्यार को लेकर ये आगे चलती है। आगे जब राजमहल में इस प्यार को एक्सप्लेन किया जाता है तो जो राजा दुष्यंत था ना, उन्होंने मना कर दिया कि मैं इस लड़की को जानता ही नहीं हूँ। उसी सब्जेक्ट को लेकर ये मूवी बनाई गई है। वैदिक काल की मूवी है तो काफी अच्छी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं ट्रेलर की। तो ट्रेलर में एक VFX है ना, वो काफी अच्छा है, आप उसे गलत नहीं ठहरा सकते। क्योंकि एक तरफ आप जाकर देखो आदि पुरुष का VFX जिसने 500 करोड़ रुपए फूंक दिए, लेकिन उसके बाद में वो उस VFX को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। वही दूसरी ओर बात करें इस मूवी की, तो इस मूवी का बजट भी लो होने वाला है। दूसरी चीज, ये एक ऐसी दुनिया को दिखाने जा रही है जहां पर बहुत ही कम लोग इस चीज को एक्सप्लेन करना चाहते हैं। हालांकि कहीं कहीं पर जो VFX है ना, वो बग होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ ही दो चार सीन है जहां पर VFX डाउन जा रहा है, जहां पर मेकर्स ध्यान देंगे और उसको बेटर करेंगे। लेकिन जो ट्रेलर है ना, वो ट्रेलर काफी अच्छा लगा मुझे, स्पेशली अच्छा लगा। ट्रेलर में दो चार कमियां जो VFX को लेकर है, जहां पर वो वेड वाला सीन है ना, वो भी थोड़ा सा डाउन है, जहां पर VFX हमें बिल्कुल ही लोलने लग रहा है। उसके बाद में बात करते हैं मूवी की। तो मूवी फरवरी में रिलीज होने वाली है, 17 फरवरी को। अब मूवी की बात करें तो मूवी 17 फरवरी 2023 को रिलीज होने वाली है। ट्रेलर 1.5 महीने पहले रिलीज कर दिया। ये तो आपको या मुझे किसी को नहीं पता, क्योंकि जो ट्रेलर है ना, वो इसका काफी जल्दी आ गया है। अब बात करें इसका स्क्रीन पर VFX क्या अवसर होगा, तो आपको ट्रेलर में देखने को मिला ही होगा। स्टोरी प्लॉट आप सभी को मालूम है कि ये कैसी स्टोरी होने वाली है। वही दूसरी ओर मूवी फरवरी में रिलीज होगी, जहां पर ज्यादा मूवीज नहीं रिलीज हो रही है, एक से ज्यादा मूवी रिलीज हो रही है। जिसके बाद वही दूसरी ओर ये एक पैन इंडिया फिल्म होने वाली है। तो जो समंता जो एक्टिंग है ना, वो भी हमें इसमें लाजवाब देखने को मिली। हालांकि ट्रेलर इसका काफी अच्छा रहा। तो आपके हिसाब से कैसा रहा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताना।